देश के कुछ राज्यों में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं, चिंताजनक भी हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। और बहुत सारे राज्यों में देखा गया कि बहुत कुछ घटने के बाद भी कोई उचित कदम नहीं उठाए गए, और ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार भी करती हैं। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक चश्मे से ही सब चीज़ों को देखते हैं। अब एक और नारी अस्मिता बिहार में तार तार है। नीतीश तेजस्वी के चश्मे से बिहार में बाहर ही बाहर है। उनको वहाँ पर बेगूसराय में जो घटा वो आप सबके सामने है, लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की तरफ से एक शब्द ना आना ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ भी रहा है और अपराध करने वाले को संरक्षण भी मिलता है। एक और राजस्थान है जो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खूबसूरत राज्य है, संस्कृति बहुत, और राजस्थान में टूरिस्ट इतने आते हैं कि उसके कई कारण हैं। बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन 5 वर्षों में राजस्थान कहाँ पहुँच गया? और जब वहाँ पर महिलाओं के प्रति कितनी घटनाएं दुष्कर्म की, अत्याचार की, अपराध की हुई, एक शांत राज्य, सुरक्षित राज्य पिछले 5 वर्षों में नंबर 1 महिला अपराध में बन गया है। 1,09,000 महिला अपराध की घटनाएं पिछले 4 वर्षों में, 33,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में, 22% देश की महिला दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में। ये अपने आप में राजस्थान को नंबर 1 महिला अपराध में बनाता है, और कुल मिलाकर लगभग 10,00,000 से ज्यादा आपराधिक घटनाओं को रजिस्टर किया गया। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महिलाओं पर अपराध की घटनाओं पर राज्यों को कड़े कदम उठाने चाहिए, और सोनिया जी और राहुल गांधी जी के आदेश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कड़े कदम उठाए और अपने ही एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त इसलिए किया कि राजेंद्र गुड़ा जी ने राजस्थान के हालात पर चिंता व्यक्त की कि दूसरे राज्यों को छोड़ के राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं उसकी चिंता की जाए, चर्चा की जाए, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के आदेश पर उसको ही बर्खास्त कर दिया। और उन्होंने क्या कहा राजेंद्र सिंह गुड़ा जी ने कि विधानसभा में मैं CM से 1-on-1 जवाब मांगूंगा, और बड़ी बात यह कही है, किसी और ने नहीं, जो 4.5 साल राजस्थान की सरकार में, अशोक गहलोत जी की सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने कहा प्रदेश में CM का इकबाल खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है, एक जो आपका मंत्री 4.5 साल आपके साथ रहा, उन्होंने कहा राजस्थान में अराजकता का माहौल है। CM विधानसभा में आते हैं ना, आते हैं ना जवाब देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा जी, ये राजस्थान में कांग्रेस के मंत्री ही अपने मुख्यमंत्री से सवाल खड़े करते हैं। एक मंत्री तो ये हैं जिन्होंने हिम्मत करके महिला अपराध पर कोई बात कही, दूसरे मंत्री जिनको उन्होंने शह दे रखी है और संरक्षण दे रखा है सोनिया जी राहुल जी के आदेश पर, जिनको बचाने का काम किया है अशोक गहलोत जी ने, वो शांति धारीवाल जी क्या कहते हैं जब महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई, अपराध की घटना ही, तो उन्होंने कहा ये मर्दों का प्रदेश है, और पूरे कांग्रेसी ठहाका मार के हंसते हैं मंत्री और विधायक और मजाक उड़ाते हैं। सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, इस पे कोई जवाब नहीं देगा क्या कांग्रेस पार्टी का? मल्लिका और खड़गे जी से मैं कहता हूं, और मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मैं तो यूपी चुनाव में जब सह प्रभारी था तो प्रियंका जी बड़ी बड़ी बातें करती थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं,
बस राजस्थान नहीं जा सकती हूँ, बिहार पर मुंह में दही जमा सकती हूँ और बंगाल पर होंठ सिल सकती हूँ, लड़की हूँ राजस्थान नहीं जा सकती हूँ और कोई महिला अपराध की आवाज़ उठाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह के उनका इस्तीफा करवा सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ शांति धारीवाल ये कहे मर्दों का प्रदेश है तो ठहाके माके हंस लेना, बचाने के लिए मैं तुम्हारे लिए लड़ सकती हूँ। अरे राजस्थान में आपराधिक घटनाएं महिलाओं पर कौन कौन सी हुई जरा एक बार सोचिए तो सही। मुख्यमंत्री के घर से 5 किलोमीटर दूरी पर वैशाली नगर में एक बच्चे के सामने उसकी माँ की इज्जत लूटी जाती है, उसको मरने पर मजबूर किया जाता है। करौली में युवती का अपहरण करके गैंग रेप करके गोली मारी जाती है, एसिड गिराया जाता है, फिर कुएं में डुबा दिया जाता है। दौसा में आदिवासी महिला का अपहरण करके गैंग रेप करके एसिड डाल के उसकी भी हत्या कर दी जाती है। उदयपुर में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद 8 टुकड़े करके फेंक दिया जाता है जंगल में। बीकानेर के खाजूवाला में 2 पुलिस वाले शामिल होते हैं बलात्कार में, लेकिन गिरफ्तारी पहले दिन नहीं होती, सीसीटीवी कैमरा में है तब भी उसके बावजूद। जोधपुर में जिसको भाई जैसा माना था ऐसे 3 लोगों ने, दरिंदे कहूंगा मैं तो, जिन्होंने दुष्कर्म करने का काम किया और ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है। अरे मुख्यमंत्री तो सोए हैं लेकिन जो लड़की है लड़ सकती हूं वो कहां है, जो बॉर्डर से चले गई करौली के पास से लेकिन वहां नहीं जाने का दम भर पाई, जहां करौली में दलित युवती के साथ गैंगरेप करके एसिड फेंक के उसको मार दिया जाता है। दलित हो युवती हो महिला हो, इनके खिलाफ राजस्थान नंबर 1 अपराध की दृष्टि से, महिला अपराध की दृष्टि से बना है। बंगाल भी पीछे नहीं है, बंगाल में चुनाव में बम और हत्या, बैलेट से ज्यादा बम की घटनाएं सुनने को मिली, हत्या के मामले, हत्या और हिंसा के मामले रास्ते सत्ता हथियाने का काम किया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी जी, न जाने आपके दिल में ममता बची है कि नहीं बची है, ये सवाल खड़ा होता है। बंगाल के हावड़ा में इंसानियत शर्मसार हुई है लेकिन सबके होंठ सिले हुए हैं जी। हावड़ा के 5ला इलाके में पंचायत चुनाव के मतदान के दिन 40 से ज्यादा टीएमसी के गुंडों ने महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया, प्रत्याशी को पीटा गया, बेइज्जती की गई। और यही नहीं, बंगाल के ही मालदा में एक जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं तो ऐसे वीडियो दिखाऊंगा भी नहीं, शेयर भी नहीं कर सकता, लेकिन जहां पर 2 महिलाओं को पीट पीट कर अर्धनंग किया जा रहा है और नंगा करके उनको जैसे घुमाया जा रहा है जी, वीडियो बनाए जा रहे हैं, कहां है ममता जी की ममता, कहां है सरकार, कहां कार्रवाई हो पा रही है? ये बंगाल से लेके बिहार से लेके राजस्थान तक, तृणमूल हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इनके शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और सरकारें मूक दर्शक बन के बैठी हैं। ये गठबंधन की बात करते हैं, उस गठबंधन के नेताओं के ऊपर देखिए, एक भी इस बात को लेकर अपनी बात नहीं कहता है। और कहां गए वो अवार्ड वापसी वाले लोग, कहां गए कैंडल मार्च वाले लोग, कहां गए फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले लोग? क्या बंगाल बिहार राजस्थान में महिलाओं के साथ होती घटनाओं पर वो मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे? और जो मर्दों वाला प्रदेश कहकर ठहाके मारते हैं उस पे खड़गे जी, आप क्या पूरा गांधी परिवार भी मूक दर्शक बन के बैठा रहता है? सवाल खड़े होते हैं आपके सामने। और बिहार बंगाल की यही नहीं, बहुत सारी घटनाएं थी,
फरवरी 2020 में हल्दिया में माँ बेटी के साथ सद्दाम हुसैन और मंजूर मलिक के नाम दरिंदों ने रेप करके उनको जलाकर मार दिया। पश्चिम मेदिनीपुरा में डेबरा में टीएमसी के गुंडों ने आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की। 15 जुलाई को 2020 में नदिया जिला के कृष्णानगर में युवा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और अप्रैल 2018 में 24 दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की पिटाई करके उनको भी निर्वस्त्र करके घुमाया गया। 3 फरवरी 2020 को पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में कांग्रेस तृणमूल के ही एक नेता ने कथित गुंडों के साथ दो महिलाओं के हाथ पैर बांधकर जमीन पर घसीटा भी, अभद्र व्यवहार भी किया, हरकतें की। ये सब जनता के सामने है लेकिन शायद नेशनल मीडिया के परे है। उन लोगों की आवाज़ जो कभी बाकी मुद्दों को लेकर आते हैं, इन घटनाओं पर चुप रहते हैं। कितनी गिनाऊं, कितनी ऐसी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं जिनकी आप बीती आपको सुनाऊं। मुझे तो कहते हुए भी कई बार शर्म आती है जिस तरह की घटनाएं इन राज्यों में घट रही है। लेकिन जो राज्य बंगाल कभी भारत के लिए ऐसे नेताओं के योगदान के लिए जाना जाता था, जिनका बहुत बड़ा योगदान आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद भी रहा, आज वो बंगाल शर्मसार हो रहा है ममता जी के राज में। अपराध, आतंक और महिला अपराध की घटनाओं को बहुत बल मिल रहा है और संरक्षण मिल रहा है।